Assalamu alaikum and good morning students. How are you? I hope you are fine. तो बेटा हमने इससे पहले एक्सरसाइज 3C के दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आज हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, एक्सरसाइज 3C पेज नंबर 55. ठीक है, आप बुक का पेज ओपन कर लें और वहां से क्वेश्चन को देख लें आप पेज नंबर 55 पे. ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. तो आपने इस ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें से मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, उनमें से आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको क्या करना है, उसको आपने सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट इसका जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है वो है मिक्स फ्रैक्शन है हमारे पास 1/3/5 डिवाइडेड बाय 3/4/5 इज इक्वल टू. तो इसको आप वहाँ से बुक का आंसर भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है. ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्व मैंने इस तरह किया है, देखें 1/3/5 डिवाइडेड बाय 3/4/5. ठीक है, दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये भी और ये भी. ठीक है, इसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर में, उसके बाद इसका जो आंसर आएगा वो आपके सामने मैं आपको बताऊँगा. ठीक है, तो देखें इस तरह की जब फ्रैक्शन होती है आपके पास, तो ये जो डिनोमिनेटर होता है 5, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है. 5 1s are 5 प्लस 3, ये देखें 5 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और प्लस 3/5 डिवाइडेड बाय, उसी तरह साइन को डाल दें, 3, ये जो 5 है ये 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद ये जो 4 है ये इसमें ऐड हो जाएगा. 5 3s are 15 प्लस 4 डिवाइड बाय 5. ठीक है, इसके ओवर 5, ठीक है, 5 1s are 5 प्लस 3 8/5 डिवाइड बाय 5 3s are 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19/5. ठीक है, तो 8/5 डिवीजन जो है इसको हम किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने किया था, तो यहाँ पे भी करेंगे. 8/5 मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, तो ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारे पास 5 है, तो नॉमिनेटर 19 है, नॉमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है इस तरह यहाँ पे, और जो डिनोमिनेटर है वो नॉमिनेटर में आ जाता है, ये 5 ऊपर आ जाएगा और 19 नीचे चला जाएगा. 5/19 यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 8/19 जो है वो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट का करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है बेटा, इसके बाद हम अब मूव करते हैं जी इसके बी पार्ट की तरफ. तो बी पार्ट कुछ इस तरह से है, 11 डिवाइडेड बाय 4/2/5 इज इक्वल टू, इसको भी आपने सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं जी, उसी तरह 11 डिवाइडेड बाय 4/2/5 पहले शब्द में उसी तरह लिखें, इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा प्लस 2, ये जो 2 है ये ऐड होता है, 5 4s are 20 प्लस 2 22/5 हो जाएगा, इस तरह इस साइड पे 11 इस तरह रहेगा. और 11 को अगर हम 1 से डिवाइड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे डिवीजन जो है फिर मल्टीप्लिकेशन में इसको चेंज कर देंगे, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन डाल दें, और वही काम करना है कि डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, वही काम किया, 5/22 कर दिया देखें ये. और अब यहाँ पे देखें जो 22 है ये वाला डिनोमिनेटर में, ये 11 पे 2 टाइम कटता है. ठीक है, 1s 11s are 11 2 11s are 22. ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और 5/2 क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 बचता है, ये 2 अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रहेगा. ठीक है, तो आपके पास 5/2 इज़ अ करेक्ट ऑप्शन फॉर ऑप्शन बी. ठीक है, ठीक है बेटा, इसके बाद जो सी पार्ट है इसका, सी पार्ट है 4/3/7 डिवाइड बाय 8/6/7 इज इक्वल टू, इसका करेक्ट ऑप्शन 2/1/2 है इस करेक्ट ऑप्शन, ये आपने खुद सॉल्व करके इसका ऑप्शन लगा लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे पूछ लीजिएगा. ठीक है, उसके बाद डी भी है, डी जो है वो 15 डिवाइड बाय 25/35 इज सेम एज 21 इज अ करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व करना है, इसी तरह सॉल्व करके इसका जो 21 आंसर आता है वो आपने लिख देना है. ठीक है, इसको भी आपने इसी तरह इसी मेथड के साथ आपने इसको सॉल्व करना है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर मुझे बता दीजिएगा. इसके बाद ई ऑप्शन भी 1/3 डिवाइड बाय 1/9 इज सेम एज
थ्री इसका जो आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसको मैंने साल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे आप 1/3 × 9/3 कर देंगे, 9 जो है वो 3 पे कटेगा 3 टाइम, तो इसका 3 आंसर आ जाएगा, ये इजी है। तो इसको भी आप सॉल्व करके करेक्ट ऑप्शन लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं, तो डिवाइड द फॉलोइंग। तो अब इसका एक जो ऑप्शन ए है, इसमें आपने यहाँ पे डिवाइड करना है 1/6 / 5, ठीक है। ये भी उसी तरह के क्वेश्चन है, एक एक में सॉल्व करूँगा, बाकी आपको होमवर्क करना है। आपने होमवर्क करके मुझे बता देना कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो 1/6 / 5, ठीक है। तो वही काम करना है जो हम पिछले क्वेश्चनों में करते रहे हैं, 1/6 को उसी तरह लिखना है, मल्टीप्लाई बाय, अगर हम इसकी यहाँ से डिवीजन को ख़त्म करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में चेंज करें, तो 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, 1/5 हो जाएगा, और 1 जो है ये वाला 1 नॉमिनेटर नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 ही होगा, और 6 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, 30 इसका आंसर है। इसके साथ जो बाकी पार्ट हैं बी सी एंड डी, 3 इसके मजीद पार्ट हैं, वो आपका होमवर्क यहाँ पर मैं मैंशन कर देता हूँ, वो आपने होमवर्क करके अपनी नोटबुक पर कंप्लीट कर लेने, ठीक है। इसके बाद जो ई आप ई आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है 1/1/8, ठीक है, वही काम करना है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले 1/6 मतलब यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन आती थी और एक नंबर आता था, अब यहाँ पे हमारे पास नंबर आ गया और यहाँ पे फ्रैक्शन आ गई, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने, 1/1/8, तो काम वही करना, आगे पीछे हो गया, 1 को उसी तरह लिखना है और ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया, और 8 जो है वो नॉमिनेटर में चला जाएगा, और ये जो 1 है ऊपर वाला ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 1 आपको पता है कि किसी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे ये हो जाएगा, ये 1 × 8, क्योंकि 8 को 1 पे डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपके पास 1 × 8, और 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ भी जो रिलेटेड बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चन है, जो पार्ट है एफ एफ जी और एच, ये तीनों आपने होमवर्क के तौर पर करने हैं और अपनी नोटबुक पे इनको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आई जो पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, मैंने एक सॉल्व किया इसका पार्ट, 1/2 / 1/3, तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, वही सिलसिला है पिछले क्वेश्चनों की तरह, 1/2 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें, 3/1 हो जाएगा, क्योंकि जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, ये 1 नीचे चला जाएगा और 3 ऊपर आ जाएगा स्टेप में, ठीक है, ये वाला स्टेप है। उसके बाद 3 को 1 के साथ करें, या 3 को पहले लिखें या बाद में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 1s नीचे 2 और 1s है, 1 को अगर मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 2 ही आएगा, और 3 1s are 3 over 2 इसका आंसर है, ठीक है। तो मजीद अगर इसको सिंप्लीफाई करें, एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें, क्योंकि आंसर में एक्सप्रेशन में आ रहा है, तो इसको 3 को इस तरह डिवाइड कर दें तो ये 1 1/2 आ जाएगा, 3 2 को 3 को जहाँ पे 2 पे डिवाइड किया हुआ है, 2 1s are 2, और जहाँ पे 1 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, और ये इसको हम इस तरह लिखते हैं, 1 2 1 1/2 आ जाएगा। अगर इसको फिर आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें तो ये आपके पास ये फ्रैक्शन आ जाएगी। तो इसका भी होमवर्क जो है वो साथ, 3 जो पार्ट हैं वो आपके होमवर्क हैं, सेम इसी तरह आपने वो करने हैं, ठीक है। तो ये थी वीडियो, वीडियो लंबी होगी ये लेक्चर, लेकिन आपने ये होमवर्क कंप्लीट करना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे दुरानी क्लास पूछ सकता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।